अल्मोड़ा में विधायक मनोज तिवारी ने लिव इन रिलेशन के लिए कड़ा प्रावधान करने की मांग को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने यूसीसी विधेयक का विरोध नहीं किया है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन को मान्यता देने पर कड़ी आपत्ति है। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशन के लिए उत्तराखंड में कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि बाहरी राज्यों से कोई उत्तराखंड आकर यहां का माहौल खराब ना करे। इसी क्रम में विधायक मनोज तिवारी ने उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन और मैरिज रजिस्ट्रेशन में अर्थदंड हटाने की मांग की। अल्मोड़ा से संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट। प्रदेश की सरकार पंचम विधानसभा के द्वितीय सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक को सदन के पटल पर लाई थी और उसमें कहीं भी हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन उसमें जो कमियां पाएगी, जो गुण दोष के आधार पर उस बातों को हमारे द्वारा रखा गया है और हमारी मांग है कि उसमें जो कमियां हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड का मामला, मैरिज रजिस्टर्ड का मामला, उसमें जो प्रावधान कर दिए गए हैं कि अर्थदंड और 10 से 25,000 रुपये का, और उसके साथ जो सबसे ज़्यादा हमारी कड़ी आपत्ति है कि ये हमारा उत्तराखंड जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लिए पहचाना जाता है, ये हमारी देवों की भूमि है, अपने अध्यात्म से लेकर संस्कृत विरासत के लिए पहचाना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर लिव इन रिलेशन को मान्यता देने पर, रजिस्टर्ड अनिवार्य करने पर कहीं ना कहीं इस कृत्य के लिए उनकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारी मांग है कि उसमें कड़ा प्रावधान किया, जो लिव इन रिलेशन में रहता उसको उल्टा, उसके लिए कड़ा प्रावधान, उसको सजा दी जाए, उसका प्रावधान किया, नहीं तो आने वाले टाइम में बाहर का व्यक्ति, जहाँ ये लागू नहीं है, बाहर का व्यक्ति आकर, उत्तर प्रदेश से ले अन्य लोग आकर यहाँ पर लिव इन रिलेशन में रहेंगे और यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर माहौल खराब होगा।